नमस्कार, सादना न्यूज मध्य प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आत्मनिर्भर योजना के तहत जिस तरह से युवाओं को प्रमोट किया जा रहा है स्टार्टअप के लिए, उसकी वानगी हमने कल ही देखी जब बजट पेश हुआ। बजट में अच्छा खासा प्रोत्साहन और अच्छी खासी राशि जो है स्टार्टअप के लिए दी जा रही है। सादना न्यूज मध्य प्रदेश इस वक्त एक चर्चा कर रहा है और इसका उद्देश्य ये है कि देश भर में युवा इस कार्यक्रम को देखें और स्टार्टअप को समझें और उससे लाभान्वित हों। जॉब करने की बजाय आखिर क्यों युवा स्टार्टअप की तरफ आकर्षित हो रहे हैं, ये वाकई जानने की बात है। इस वक्त हमारे साथ में चर्चा बातचीत करने के लिए नीलेश त्रिवेदी जी मौजूद हैं, जो डायरेक्टर हैं मेघालय ब्रांच MSME में। हमारे साथ में निकेत मंगल मौजूद हैं, जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं निकेत मंगल ग्रुप के, और हमारे साथ में विनीता राज मौजूद हैं, जो वर्ल्ड डीलर्स प्राइवेट लिमिटेड में डायरेक्टर हैं, और हमारे साथ में एक युवा स्टार्टअप करने वाले मौजूद हैं जो प्रबोध हैं और उनका अंतर्देशीय एक कंपनी है द आर्ट डिस्ट्रिक्ट, उसके वो फाउंडर हैं। आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले नीलेश जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि गवर्नमेंट ने, सरकार ने किस तरह की सुविधाएं जो हैं वो उपलब्ध कराई हैं स्टार्टअप के लिए कल के बजट में। नमस्कार पंकज जी, मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहता हूं, मैं असिस्टेंट डायरेक्टर ब्रांच MSME DI तुरा मेघालय से बोल रहा हूं, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है 2016 में, जिसको अपन 16th जनवरी 2016 को अपना स्टार्टअप डे अपन सेलिब्रेट करते हैं, और वहीं पर से पॉलिसी आई थी, और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव है कि जिसके कारण आज हमारे पास 83 अराउंड यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स है। यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स वो होते हैं जिनका वैल्यूएशन $1 बिलियन से ज्यादा होता है, और एज ऑफ नाउ अराउंड 8,870 करोड़ रुपया जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्पेंड कर चुका है थ्रू सिडबी फंड ऑफ फंड स्कीम। टोटल 10,000 करोड़ का कॉर्पस था, और इससे आज 62,866 स्टार्टअप्स प्रेजेंटली फंक्शनल है इंडिया में, यानी कि स्टार्टअप बहुतायत किया जा रहा है जो आकर्षित हो रहे हैं। वेरियस स्कीम्स, इनिशिएटिव्स और पॉलिसीज हैं, बजट में भी क्लियर रिफ्लेक्शन है, क्लीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, स्टार्टअप कल्चर, स्टार्टअप का जो एक्सटेंशन किया है कि जो कैपिटल गेन टैक्स का जो बेनिफिट था वो 2023 तक एनहेंस किया है, बढ़ा दिया है, तो ये भी अच्छा है कि आप काम करें और उसका जो प्रॉफिट है उस पर एग्जम्पशन लें इनकम टैक्स का 3 consecutive years। तो ये स्टार्टअप इंडिया स्कीम की पॉलिसी का ही परिणाम है कि इतना स्टार्टअप कल्चर, और वी आर थर्ड इन टर्म्स ऑफ स्टार्टअप इकोसिस्टम इन वर्ल्ड, तो ये बहुत ही गर्व की बात है और हर्ष की बात है, हमारे यूथ ने प्रूव किया है इंडिया को। जी नरेश जी, कोई व्यक्ति अगर स्टार्टअप करना चाहता है, कोई युवा स्टार्टअप करना चाहते हैं, तो बहुत बेसिक अगर हमको जानकारी देना चाहें तो वो क्या करें, कैसे वो प्रोसीड करें स्टार्टअप शुरुआत के लिए, वो क्या पहला काम करें ताकि वो आगे बढ़ सके। बहुत अच्छा बेसिक प्रश्न पूछा है आपने, और ये भारत के लोगों के लिए बहुत उपयोगी प्रश्न है। इसमें ये सबसे पहले आपके दिमाग में कोई आइडिया है, अब वो आइडिया से आपको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है तो आपको चाहिए फंड। तो फंड के लिए आप एक स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम है जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, तो उस स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम जो कि स्टार्टअप इंडिया के पोर्टल पर भी है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के पोर्टल पर भी, तो उसमें वो अपने आप को रजिस्टर्ड करे सबसे पहले एज ए स्टार्टअप इंडिया में। उसके बाद वो जो बिजनेस इंक्यूबेटर, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिजनेस इंक्यूबेटर डिक्लेयर्ड है, उन बिजनेस इंक्यूबेटर्स या होस्ट इंस्टीट्यूशन में जाके अपने आइडिया को प्रेजेंट करें। यदि वो आइडिया स्कीम स्टीयरिंग कमिटी से अप्रूव होता है तो पर आइडिया से प्रोजेक्ट या प्रोडक्ट स्टेज तक पहुंचने तक 20 लाख रुपीज का फंडिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स से मिलता है। तो ये एक बहुत ही अच्छा है कि उन्हें अपना आइडिया टू प्रोजेक्ट के लिए है। फिर जी। जब ये सबसे पहले उसको अपना स्टार्टअप के रूप में रजिस्टर्ड करना है स्टार्टअप वेबसाइट, फिर अपना आइडिया सबमिट करना है, वो आइडिया यदि अप्रूव हो जाता है
तो आप गवर्नमेंट फंडिंग चाहिए तो गवर्नमेंट फंडिंग मिलेगी, अदरवाइज बीसी फंड्स और एंजल इन्वेस्टर फंड्स और अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स भी रहते हैं, वो भी इन्वेस्ट कर रहे हैं अपने इंडियन यूथ और स्टार्टअप्स में। मतलब ये बहुत अच्छी बात, केवल गवर्नमेंट पे निर्भर नहीं है यूथ, तो ये बेसिक इसके स्टेप्स है। बहुत अच्छी बात है निकेत मंगल जी इस वक्त हमारे साथ में। निकेत जी, चूंकि आप जो युवाओं को फंडिंग करते हैं स्टार्टअप के लिए, किस तरह के आइडियाज को आप सपोर्ट करते हैं, किस तरह के युवाओं को आप सपोर्ट करते हैं ताकि वो कोई स्टार्टअप शुरू करें और वो आगे बढ़े? पंकज जी, सबसे पहले तो कौन है हमारे देश में पिछले 10 सालों में गवर्नमेंट ने उसको बहुत अच्छे से प्रमोट किया है, और अगर हम देखेंगे तो आज देश की जो 100 उसमें से जो ये आंकड़े हैं जो आपको भी देंगे, उसमें से 30% जो कंपनी है वो युवाओं ने कहीं ना कहीं अपनी कंपनी को स्टार्ट किया एक नए आइडिया के साथ बनाई और उसको इम्प्लीमेंट किया। पेटीएम जैसे ग्रुप की बात करें, शार्क टैंक करके एक प्रोग्राम आ रहा है युवाओं के बीच में बहुत फेमस हुआ, उसके अंदर कुछ सारे यूनिकॉर्न्स आ रहे हैं, उसके अंदर इतने सारे स्टार्टअप्स आ रहे हैं, उन लोगों ने जिस तरह से उसको प्रमोट किया वो बहुत ही कमेंडेबल है। किसी भी स्टार्टअप को फंड करना तो हमारा सबसे पहला उद्देश्य होता है उसके आइडिया को चाहिए, उनका आइडिया कितना और वो उसका यूज केस। कई बार ऐसा होता है कि स्टार्टअप जो है वो उनके पास आइडिया देते हैं लेकिन वो लोग उसको प्रमोट नहीं कर पाते, उनके पास टीम नहीं होती, उनके पास को फाउंडर नहीं होते, एक सेकंड ऑप्शन हो जाता है। देखते हैं कि उनकी टीम कितनी स्ट्रांग है, उनके पास आइडिया है, उनके पास टीम है और खुद का कितना इन्वॉल्वमेंट आइडिया के साथ, वो आइडिया के साथ में और उन्होंने क्या किया है आइडिया में, उन्होंने फ्रेंड्स में इन्वेस्ट किया हो, चाहे उन्होंने अपना हार्डवर्क इन्वेस्ट किया हो, क्या उनकी और है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं राउंड ऑफ इन्वेस्टमेंट, जिसको हम फंड भी बोलते हैं, गवर्नमेंट तरफ से मदद करती है लेकिन हम प्राइवेट वेंचर कैपिटलिस्ट हैं जो हैं, हम सेकंड स्टेज पर आकर उनको हेल्प करते हैं। जी जी निकेत जी, क्या कुछ एग्जांपल आप दे सकते हैं कि जिन युवाओं को आपने स्टार्टअप में सहयोग किया हो और अब वो आगे बढ़ रहे हैं, और क्या कारण है कि वो आगे बढ़ पा रहे हैं, किस तरह की क्वालिटी उनके अंदर है? सबसे पहला स्टार्टअप सबसे हम लोगों ने तो 5-6 स्टार्टअप में इन्वेस्ट किया, इसमें सबसे अच्छा स्टार्टअप आज से 7 साल तक इन्वेस्ट किया था। एक जॉइंट है बॉम्बे से, हमने इसकी शुरुआत 2014 जो जिन्होंने इसको स्टार्ट किया था वो IIT और IIM से पास आउट दोस्त थे जिन लोगों ने किया था, अब उनकी रीच सिर्फ थी और उनके पास सिर्फ 10 आउटलेट। अब जब उनके पास 10 आउटलेट और आज की तारीख में अक्रॉस मोर देन 150 आउटलेट, इंदौर में भी उनका आउटलेट है किया था, रियली वेरी वेरी। एक स्टार्टअप जिसका मैं एग्जांपल जी, तो पूरे इंडिया में उन्होंने नाम कोहली। चलिए बहुत अच्छी बात बता रहे हैं। देखिए ये चूंकि महत्वपूर्ण आपसे बात करना इसलिए जरूरी है कि जो लोग देख रहे हैं इस वक्त, जो दर्शक देख रहे हैं साधना न्यूज पर, उन्हें आइडियाज मिलते हैं, उन्हें आप लोगों से इंट्रोडक्शन मिलता है और उन्हें इंस्पिरेशन मिलती है किस तरह से वो अपना स्टार्टअप शुरू करें, क्योंकि न सिर्फ सरकार लेकिन आपकी तरह की जो कंपनीज होती हैं, आप तरह के जो लोग होते हैं, वो बहुत बड़ा रोल निभाते हैं देश के विकास में। विंता जी हमारे साथ में, विंता जी आपने मुझे याद है बहुत साल पहले, हालांकि आप चेन्नई से जुड़ी हुई हैं इस वक्त, बहुत साल पहले आपने अपनी कंपनी शुरू की और खासतौर पर महिलाओं को ही आपने जोड़ा। आपकी कंपनी क्या काम करती है, क्या स्टार्टअप है आपका, और महिलाओं को किस तरह से आप जोड़ पा रही हैं, क्या लाभान्वित कर पा रही हैं आप? नमस्कार पंकज जी, क्या मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी विंता जी बोलिए आप। आपने बहुत कि हमारी कंपनी महिलाओं को ही जोड़ा है, थोड़ा अलग तरीके का काम करती है, ये अनोखा स्टार्टअप है। भारत एक समूह है अलग अलग कल्चर्स का, अलग अलग भाषाओं का, और हमारे संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता दी,
हमारे जो अलग अलग स्टेट्स में वो भी अपने अपने भाषाओं में काम करते हैं, चलते बहुत सारा अंतर राज्यीय अंतर भाषीय अनुवाद का काम जो है उसकी बहुत सारी जरूरत महसूस होती है जब इंटरस्टेट डिस्प्यूट्स होते हैं। उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में जब भी कोई प्रोसीडिंग्स जाती हैं तो उन्हें इंग्लिश में ट्रांसलेट करना अनिवार्य होता है, क्योंकि वहां भारत भर से जजेस आते हैं जो कि हिंदी या सिर्फ इंग्लिश या सिर्फ हिंदी को, सॉरी सिर्फ हिंदी को ही नहीं समझ पाते, दूसरे स्टेट की भाषाओं को जानते हैं, ये जरूरी नहीं है। तो ये बहुत बड़ा गैप था। इनफैक्ट हमारे देश का एक लीडिंग केस जो है का केस जो वो 8 साल तक अच्छी ट्रांसलेशन सुविधाओं के अभाव में पेंडिंग पड़ा रहा, क्योंकि टेक्स्ट का ट्रांसलेशन अवेलेबल नहीं। तो ये बहुत अलग टाइप का गैप नजर आया कि अच्छी अनुवाद की सुविधाएं उपलब्ध हैं। तो मैंने ये स्टार्टअप स्टार्ट किया और मैंने ये स्टार्टअप सिर्फ महिलाओं को जोड़कर इसलिए शुरू किया क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आज जो वर्क फ्रॉम होम कल्चर कोरोना ने हम सबको सिखाया है, हम इस कल्चर 2013 से काम कर रहे हैं और मुझे लगता है कि महिलाओं के ऊपर दो तीन जिम्मेदारी होती है, तो वो घर भी संभालें, बाहर भी जाएं, भागा दौड़ी के एक अलग स्ट्रेस उन पर रहे, तो क्यों ना अगर उनमें काबिलियत है तो उन्हें घर बैठे ही अनुवाद का काम देकर या इंट्रोडक्शन का काम देकर अगर हम उन्हें घर पे एंगेज कर सके और वो वहीं कमा सके तो अपने घर को ज्यादा अच्छा समय दे सकती हैं। इस सोच के साथ मैंने ये कंपनी शुरू की थी और आज 150 प्लस हमारे साथ जुड़ी हुई है ये स्टार्टअप। आज मुझे युवा है वो डेयरिंग नहीं कर पाते हैं, क्या ऐसा आप अपना अनुभव बताइए कि आप जॉब करती थी उसके बाद में क्या विचार, कैसे विचार आया और कैसे आपने स्टार्टअप शुरू किया, समस्याएं भी निश्चित रूप से आई होंगी, कैसे आपने उन्हें जो है कॉप अप किया और इस वक्त आप क्या फील करती हैं? आप बिल्कुल आपने बात की नफ्स को पकड़ा है कि ये बहुत दो चीजें आपने बिल्कुल सही बात कही कि एक तो जॉब छोड़ना और जॉब छोड़कर कुछ स्टार्टअप शुरू करना, अपना काम शुरू करना, और एक एक डेयरिंग हो पाना कि भाई हाँ मैं ये रिस्क लेने को तैयार हूँ। देखिए मैंने दोनों चीजों को शायद कह सकते हैं ब्लेसिंग इन डिस्गाइज सा मामला था, लेकिन मुझे ये एज अ फीमेल ये बहुत बड़ी समस्या महसूस होती थी कि मुझे अपनी बेटी को कहीं क्रेच में या मुझे उसे कहीं किसी रिश्तेदार के पास छोड़कर जाना पड़ता था क्योंकि मुझे ऑफिस जाना है। अब मेरे ऑफिस में मैं ये डिमांड नहीं कर सकती कि वो मुझे इस तरीके का वर्किंग एटमॉस्फेयर दे कि मैं घर से बैठकर काम कर सकूं। तो मुझे ये महसूस हुआ कि ये एक इनसिक्योरिटी हर वर्किंग माँ के दिमाग में रहती है कि पीछे मेरा बच्चा ढंग से एड्रेस हो पा रहा है कि नहीं, उसकी उसको उस घर की भी टेंशन है, उसे बच्चे की भी टेंशन है, एक ममता को कॉम्प्रोमाइज करने जैसा था। तो ये बात मुझे पर्सनली बहुत फील होती थी। तो अपने मन के इस बड़े समस्या का समाधान करने के लिए आई थॉट कि कुछ ऐसा हमें लुकआउट करना चाहिए, किसी ऐसे ऑप्शन पे वर्कआउट करना चाहिए जहां इस गिल्ट से एटलीस्ट हर महिला बाहर आ सके। तो मेरे लिए ये गिल्ट ही, ये प्रेशर ही एक डेयरिंग का काम कर गया और मैंने इस तरीके की कंपनी एस्टेब्लिश कर ली। जहां तक रही बात की जॉब छोड़कर इस पर पैर रखना, तो आपने बिल्कुल सही कहा कि कुछ तो हम खुद डेयरिंग नहीं कर पाते, कुछ समाज और हमारे परिवार हमें डेयरिंग नहीं करने देते। उनको ऐसा लगता है कि भाई ये तुम्हारी 10 to 5 की एक अच्छी जॉब है, अच्छी पैकेज जॉब है, इसको छोड़कर तुम कुछ और क्यों करना चाहते हो। लेकिन यहाँ मुझे ऐसा लगता है कि डेयरिंग करने का ये सही समय है और डेयरिंग करने की जरूरत है। कलाम साहब जब हमारे प्रेसिडेंट थे तब उन्होंने एक बहुत अच्छी बात अपनी एक स्पीच में कही थी कि भारत को 3 लाख नए स्टार्टअप्स और बिजनेसेस की जरूरत है ताकि वो और बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे सकें। हम जब किसी एक स्पेसिफिक पैकेज या कंपनी में जॉब के लिए प्रेरित होते हैं या कोशिश करते हैं तो हम अपनी सोच के दायरे को बहुत छोटा कर देते हैं। मुझे लगता है एक थोड़ी सी रिस्क बेयरिंग कैपेसिटी और केयरिंग और उस पर जो अब इतना अच्छा माहौल सरकार दे रही है, जब तीनों का एक अच्छा संयोग हम बनाकर चलेंगे तो मुझे लगता है हम और बहुत से लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट, आज मैंने डेयरिंग 150 और के लिए गृहस्थी चलाने का रास्ता खोला। तो मुझे बिल्कुल सही कहा आपने जी। तो 3 लाख स्टार्टअप अगर आते हैं या 30 लाख स्टार्टअप अगर आते हैं तो सोचिए कितना एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हम कर सकते हैं। तो एक पैकेज हम देखें, उससे अच्छा है हम बहुतों के लिए एक नया पैकेज खोलें। तो बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए और ये बहुत महत्वपूर्ण बात है क्योंकि जब आप डेयरिंग की बात हम कर रहे हैं तो जब
सुबह 11 से 5 का जो जॉब होता है उसके एक बंदी बनाई पैसा जो आता है हर महीने जब में उसे छोड़कर कोई नया काम करना वाकई अपने आप में एक बड़ा चैलेंज होता है। मुझे यहाँ दुष्यंत की दो पंक्तियां याद आ रही हैं, शायद बसंत भी आएंगी, कि बहुत संभाल के रखी तो पायमाल हुई, सड़क पर फेंक दी तो जिंदगी निहाल हुई। हम संभाल के चल, हम अपने आप को संभाल के रखना चाहते हैं, हम बचना चाहते हैं, और शायद इसीलिए हम लोग हिम्मत नहीं कर पाते। फिलहाल प्रबोध हमारे साथ में, प्रबोध आप एक एंटरप्रेन्योर हैं, आपने स्टार्टअप शुरू किया है, वो स्टार्टअप क्या है, कैसे, जो विंता जी कह रही हैं कि डेयरिंग करनी होती है, आपको भी कहीं ना कहीं डेयरिंग करनी पड़ी होगी, कैसे डेयरिंग की आपने, आइडियाज कैसे आया, कैसे आपको फंडिंग मिला, कैसे आप आगे बढ़ रहे हैं इस वक्त? प्रबोध हाँ पंडित जी, आवाज आ रही मेरी जी? प्रबोध हाँ सर, हमारा इंदौर बेस्ड एक छोटा सा कैफे फॉर्म में हमने स्टार्टअप को शुरू किया है, जिसका पर्पस है एक आर्टिस्ट कम्युनिटी को डेवलप करना इंदौर शहर में ही जी। मैं और मेरे एक दोस्त के साथ हमने ये शुरू किया था, और फिलहाल हमारे पास करीब 20-25 आर्टिस्ट की एक टीम है जो अलग अलग तरह के प्रोजेक्ट्स वगैरह पे काम करती रहती है टाइम टू टाइम, और अभी लगभग 1.5 साल ही हुए हैं हमें, तो अभी बहुत नए हैं और काफी सीनियर लोग बैठे हुए हैं, तो मुझे लगता है कि मैं बहुत कुछ ना कहूं और ज्यादा सुनूं, ज्यादा सीख पाऊं तो ज्यादा बेहतर होगा। नहीं, आपका अनुभव देखिए, चूंकि आप युवा हैं और जो यूथ जो चाहते हैं स्टार्टअप करना, आपको सुनकर वो इंस्पायर होंगे निश्चित रूप से। जी बिल्कुल बिल्कुल पंत जी, मैं बिल्कुल इस बात से सहमत हूं। और तो लगभग ऐसा है कि जब आप शुरू करते हैं, जैसा विनीता जी ने कहा, तो काफी देरी लगती है। मैंने भी एक जॉब छोड़ी, पर मैं ये कहना चाहूंगा कि आप जिस भी बिजनेस में जाना चाहते हैं या जिस भी तरह का स्टार्टअप करना चाहते हैं, आपको उसकी समझ लेनी बहुत जरूरी है शुरुआती दौर में। तो मैंने लगभग 1 साल अलग अलग जगहों पर अपनी फील्ड से रिलेटेड काम किया और उसको समझने की कोशिश की, किस तरह से मैं इस आइडिया को लेके चल सकता हूँ और किस तरह से जो मेरा लॉन्ग रन विजन है उसको इस कैफे के आइडिया के साथ इनपुट में, मतलब एज कंबाइन करते लिया लेके चला जा सकता है। क्योंकि आर्टिस्ट फील्ड में कहीं ना कहीं एक जो सबसे बड़ा रिस्क होता है वो ये है कि जब तक आप सक्सेस नहीं पाते हैं तब तक फाइनेंशियल स्ट्रगल बहुत होता है, तो उस पॉइंट को कवर करने के लिए हमने ये कैफे का सेटअप अप्रोच लिया है। तो कैफे जो है वो हमारे मॉनेटरी रिसोर्सेस, मॉनेटरी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर देता है। जी, हमारे पास फिलहाल तो हर तरह के आर्टिस्ट हैं, बट मोस्टली जो कॉलेज स्टूडेंट्स हैं वो जुड़े हुए हैं, और जिनमें राइटर्स हैं, स्टोरी टेलर्स हैं, आप शॉर्ट फिल्म वगैरह बनाते हैं हमारे साथ के बच्चे, तो हम बेसिकली एक कम्युनिटी की तरह ग्रो कर रहे हैं साथ में। और जो हमारे कुछ जान पहचान के अच्छे जो एक्सपर्ट लोग हैं, हम उनको बीच बीच में बुलाते रहते हैं ताकि जो यूथ है उसको गाइडेंस मिलता रहे, किस तरह से उस चीज उन्हें और बेहतर काम करना है या किस तरह से उनका अप्रोच होना चाहिए। इसके अलावा हम जो छोटे छोटे घर पे लोग बुकमार्क्स या इस तरह की चीजें बनाते हैं, इयररिंग्स बनाते हैं, तो उनके लिए एक डिस्प्ले सेंटर लगाते हैं वीकेंड बेसिस पे, जिससे वो अपने आर्ट, अपनी खुद की बनाई हुई चीजों को प्रमोट कर सकते हैं, सेल आउट कर सकते हैं। जी चलिए, नीलेश जी हमारे साथ में। नीलेश जी, बहुत महत्वपूर्ण ये भी जानना है कि जो स्टार्टअप व्यक्ति करता है, बीच में कई बार ऐसा समय आता है कि वो घबरा जाता है, उसे फाइनेंशियल समस्या आती है। मैं बीच की बात कर रहा हूँ, शुरुआत तो उसने कर ली, लेकिन जब फाइनेंशियल क्राइसिस पैदा हो तब वो क्या करे? नीलेश जी, आवाज मुझ तक आप तक आ रही है? चलिए निकेत जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी हाँ, मुझे आपकी आवाज आ रही है पंकज जी। निके जी, जब कोई स्टार्टअप शुरू करता है और बीच में यदि उसको फाइनेंशियल क्राइसिस पैदा हो, क्योंकि वो एक बड़ा उस वक्त ऐसा चैलेंज रहता है कि अब क्या करें, अब ना पीछे आ सकते हैं ना आगे जा सकते हैं, ऐसी स्थिति में एक स्टार्टअप क्या करे? पंकज जी, मुझे ऐसा लगता है कि अगर 100 स्टार्टअप होते हैं तो उसमें से 99% स्टार्टअप जो है वो इस समस्या से जूझते ही है कि वो जब शुरू करते हैं तब उनके पास में बैकअप होता है, बट वो बीच में आके कहीं ना कहीं उनके फंड्स एग्जॉस्ट हो जाते हैं एंड वो एक निराशा भरा एक समय आ जाता है। बट उस समय उनको हिम्मत जुटाना पड़ती है, और सबसे जरूरी जो है और सबसे नियर एंड डियर वंस जो होते हैं, जिसको हम फ्रेंड्स एंड फैमिली बोलते हैं, सबसे ज्यादा उम्मीद की हमें उन्हीं लोगों से होती है। तो अगर हम उनसे अप्रोच करके अगर हम कुछ फंड इकट्ठा करें
और हम उसको कीप गोइंग करें कि आपका स्टार्टअप जो है वो कहीं भी रुके ना, पहला स्टेप है। सेकेंड स्टेप, गवर्नमेंट जिस तरह से सपोर्ट कर रही है, फंड्स गवर्नमेंट ने अलॉट कर रखे हैं, कई सारी चीजें गवर्नमेंट ने फ्री दे रखी है, जैसे इंक्यूबेटर सेंटर जो है वहां पर आपका आपके ग्राहक और जा सकते हैं और काम कर सकते हैं, इस तरह के गवर्नमेंट सपोर्ट बहुत मिलते हैं। थर्ड स्टेप में बैंक आती है, बैंक बहुत सपोर्ट करती है स्टार्टअप, गवर्नमेंट का भी मैंडेट है कि बैंक को परसेंटेज ऑफ लोन जो स्टार्टअप को देना है बहुत ही मिनिमम रेट ऑफ, तो गवर्नमेंट भी बहुत सपोर्ट करती है, बैंक भी सपोर्ट करती है। निकेत जी, इसमें क्या आपको लगता है एक्सपेंस का जो मैनेजमेंट है, जब आप शुरुआत करते हैं तो एक्सपेंसेस पर आपको बहुत ध्यान देने की आवश्यकता होती है। कई बार ये होता होगा कि जब स्टार्टअप शुरू होता होगा तो पैसा जब खर्च होता होगा तब शायद उस वक्त ध्यान नहीं जाता होगा, लेकिन जब पैसा खर्च खत्म हो जाता है तब इस पर विचार किया जाता होगा। क्या आपको लगता है कि शुरू से ही जो फंड एक्सपेंस है, मैनेजमेंट है, उस पर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता रहती है? जी, बहुत बहुत सही बात कही आपने। कई बार हमने देखा है कि कुछ स्टार्टअप्स होते हैं, क्योंकि स्टार्टअप्स में मोस्टली जो नए युवा पीढ़ी है, नए बच्चे जो हैं, वो कॉलेज से निकलकर अपने आइडियाज को प्रमोट करते हैं। जब उनके आइडियाज अच्छे भी होते हैं और उनको कहीं वेंचर कैपिटल वीसी फंड मिलता है या कोई एंजल इन्वेस्टर्स उनमें इन्वेस्ट करते हैं, तब उनके पास पैसा बहुत सारा आता है और उस पैसे को संभालना, उस पैसे का सही यूटिलाइजेशन बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। और अगर वो शुरू से ही वो मैनेज नहीं करके चलेंगे तो एक पॉइंट आएगा ही जहां पर वो क्रैश हो जाएंगे। और जो हम जिस तरह से हम फंडिंग करते हैं, हमारा भी मेन उद्देश्य यही होता है, हम यही देखते हैं किसी भी स्टार्टअप में जब हम बहुत छोटा सा फंड डालते हैं, नेक्स्ट 6 मंथ्स हम यही देखते हैं कि वो स्टार्टअप उस फंड को यूज कैसे कर रहा है, यूज कैसे कर रहा है। फंडिंग, किसी भी बड़ी फंडिंग के पहले हम यही देखते हैं कि उस फंड का लास्ट 6 मंथ्स में एलोकेशन क्या रहा और उसके बनिस्पत उनने क्या इनपुट लिया, उनका मॉडल जो है वो अर्निंग मॉडल है कि नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, निश्चित रूप से। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जब शुरुआत की जाए तब एक्सपेंसेस पर पूरा ध्यान हो। हालांकि जैसा नीलेश त्रिवेदी जी ने कहा कि आपका आइडिया काम करता है, आपका आइडिया क्या है, पहले आप आइडिया जब डालते हैं गवर्नमेंट की जो शायद बताई है उन्होंने, उस पर वो पहले अप्रूव होती है, फिर सीड जो है वो फंडिंग होती है। तो बहरहाल साधना न्यूज का उद्देश्य इस पर बातचीत करने का यह भी था कि हम हमारे दर्शकों तक ये बात पहुंचाएं, युवाओं तक ये बात पहुंचाएं कि आप डेयरिंग करके स्टार्टअप जब शुरू करते हैं तो बहुत जरूरी हो जाता है कि आप उसको पहले समझें। जैसा कि प्रबोध भी कह रहे हैं कि उन्होंने पहले 1 साल भर तक अलग अलग जगहों पर काम किया, पहले उस पूरे कॉन्सेप्ट को समझा, उसके उसके फाउंडेशन को समझा, उसके बाद में वो उन्होंने काम शुरू किया। तो जरूरी यह है कि स्टार्टअप को समझा जाए, डेयरिंग की जाए और शुरुआत की जाए। यदि शुरुआत नहीं करेंगे तो शायद आप अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। बहरहाल आप सब लोग हमसे जुड़े, बहुत सारा धन्यवाद। और साधा न्यूज मध्य प्रदेश इस वक्त इस तरह की खबरें आप तक पहुंचाते रहता है और हर 3 बजे हर दिन एक विचार एक पर हम बातचीत करते हैं जिसका उद्देश्य होता है कि हमारे दर्शकों तक वो बात पहुंचे जो अमूमन उन तक नहीं पहुंचती है। बहुत सारा धन्यवाद आप सभी का। आप देखते रहिए साधना न्यूज मध्य प्रदेश।